सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुड लक रेसिंग टिप्स। तो आज की रेस की बात करते हैं हम, जो कि है ऊटी रेस। डेट है 1/6/2024 एंड टोटल 8 रेस का कार्ड है। एंड मोस्टली देखे जाए तो बहुत ही ठीक ठाक कार्ड दिख रहा है। आई थिंक फेवरेट कार्ड है तो फेवरेट कार्ड ही होना चाहिए वैसे तो। बात करते हैं हम ऊटी का फर्स्ट रेस का, द फील्ड मार्शल SHFJ मैनेकशॉ ट्रॉफी डिवीजन 1। ओके, तो ऊटी का फर्स्ट रेस का हमारा जो फर्स्ट चॉइस है डेट विल बी अ 4 नंबर हॉर्स अमेजिंग जॉय, जॉकी हिंदू सिंह। ओके, एंड इसका रन देखे जाए तो लास्ट टाइम एज अ फेवरेट रह के, हॉट फेवरेट रह के पिट चुका है, बट सेकेंड हो चुका है। ओके, वेट तो लगभग ठीक है, सेम राइडर है हिंदू सिंह। एंड लास्ट टाइम स्टार्ट ही बढ़िया लिया था, और ऑफ कोर्स किंग्स रिटर्न जो कि अच्छा घोड़ा है उसको सेकेंड हो चुका है। उससे पहले गोल्ड राइड को, मतलब फील्ड तो अच्छा देखा है अमेजिंग जॉय। आई थिंक इजी पढ़ना चाहिए अमेजिंग जॉय को, इस फील्ड में आना चाहिए बोर्ड पे इजिली। तो बात करते हैं हम उसी रेस का, ऊटी का फर्स्ट रेस का, जो हमारा जो सेकेंड चॉइस होगा डेट इज अ 3 नंबर हॉर्स आरिणी, जॉकी MS देवरा। ओके, इसका भी लास्ट रन देखे जाए तो एज अ फेवरेट पिट चुका है, बट 1.5 के भाव में थर्ड हो चुका है, और रन भी अच्छा है, मतलब बोर्ड पे आ रहा है घोड़ा, तो इजिली बोर्ड तो नहीं छोड़ना चाहिए। लगभग वेट तो ठीक ठाक है, एंड जस्ट यहाँ पे जॉकी चेंज है, जो कि लास्ट टाइम बिंदु सिंह था, बट अभी और अच्छा, मतलब MS देवरा एक फॉर्म दिखा रहे जॉकी, उसको बिठाए MS देवरा को। स्टार्ट लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टार्ट बढ़िया लेता है यहाँ पे। ये की बोल सकता हूँ, जो पता है जॉकी जॉन विक बहुत पहले भाग चुका है, बट उसके बाद उसने रन्स बेटर दिखाया है घोड़े ने आरिणी, तो आई थिंक इजिली बोर्ड पे आना चाहिए। तो इसलिए फर्स्ट रेस में मेरे हिसाब से 3 और 4 में ही रेस होना चाहिए, तो इसमें आपको जो भी बेस्ट लगे उसका विनिंग का प्लेसिंग का चांस ले सकते हैं। तो बात करते हैं हम अभी ऊटी का सेकंड रेस का, द फील्ड मार्शल SHFJ मैनेकशॉ ट्रॉफी डिवीजन 2 फॉर मेडन हॉर्सेस 3 ईयर्स ओल्ड ओनली 1200 मीटर। सो ऊटी का सेकेंड रेस का हमारा जो फर्स्ट चॉइस है डेट इज़ अ 3 नंबर हॉर्स रॉयल एग्जाम्पलर, जॉकी है साफ अरिद अंसारी। ओके, लास्ट स्टूडेंट्स देख जाए तो फोर्थ फोर्थ हो चुका है, बोर्ड पे आ रहा है, तो प्लेसिंग का चांस बोल सकते हैं इजिली। वेट तो लगभग सेम है, स्टार्ट भी ठीक ठाक लिया था लास्ट टाइम, सेम राइडर था साफ अरिद अंसारी, ऑल स्टार्स, आई नो ऑल स्टार एक अच्छा घोड़ा है, उसको फोर्थ हो चुका है, उससे पहले ब्लूम्ड, तो एक ठीक ठाक फील्ड बोल सकता हूँ देख के आया है, तो इजिली बोर्ड पे तो आना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि बोर्ड पे आ रहा है घोड़ा तो आना चाहिए। तो बात करते हैं हम अभी उसी रेस का, ऊटी का सेकंड रेस का, जो हमारा जो सेकंड चॉइस होगा डेट विल बी अ 6 नंबर हॉर्स चारुकला जॉकी हिंदू सिंह। इसका भी लास्ट 2 रन देखे जाए तो फोर्थ फोर्थ हो चुका है, बोर्ड पे आ रहा है, मतलब इजी बोर्ड पे तो आना चाहिए, लगभग सेम वेट है, सेम राइडर है, स्टार्ट लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। किंग्स बैटेलियन ऑफ कोर्स एक बेटर घोड़ा है, उसको फोर्थ हो चुका है, उससे पहले लाइट द वर्ल्ड को भी फोर्थ हो चुका है। देखा जाए तो एक फील्ड अच्छा देखा है चारुकला, तो इजिली बोर्ड तो आना चाहिए। तो सेकेंड रेस में 3 और 6 में आपको जो भी बेस्ट लगे उसका वेरी का प्लेसिंग का चांस ले सकते हैं। तो बात करते हैं अभी ऊटी का थर्ड रेस का, द बद्रुक का ऊटी जुवेनाइल स्प्रिंट मिलियन फॉर इंडियन हॉर्सेस 3 ईयर्स ओनली 1200 मीटर। सो ऊटी का थर्ड रेस का हमारा जो फर्स्ट चॉइस है डेट इज़ अ 2 नंबर हॉर्स किंग्स बैटालियन, जॉकी है अरशद असबार। ऑफकोर्स लास्ट टाइम एज अ मतलब डर्बी भाग चुका है, वो भी फोर्थ हो चुका है, यहाँ पे देखिए इंटरफियर होने के बावजूद फोर्थ हो चुका है डर्बी में, नहीं तो घोड़ा अच्छा है, लास्ट टाइम परफॉर्मेंस अच्छा देता था, बट इंटरफेयर होने की वजह से फोर्थ हो चुका है। एंड यहाँ पे एक वेट का एक बेनिफिट है, जो कि लो वेट कैरी करके जा रहा, सेम राइडर है अरशद असबर, स्टार्ट लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑफकोर्स जो विनर है रॉयल डिफेंस, वो घोड़े को फोर्थ हो चुका है डर्बी में, उससे पहले देखिए कृष्वी को मार चुका है, भरत को सेकेंड हो चुका है, अर्जुन को थर्ड। ओके, तो एक बेटर घोड़ा है किंग्स बैटेलियन, आई थिंक इजिली हॉट फेवरेट बनना चाहिए यहाँ पे विन के लिए। तो बात करते हैं हम उसी रेस का थर्ड रेस का, जो हमारा जो सेकेंड चॉइस होगा डेट इज़ अ 3 नंबर हॉर्स लैविश गर्ल जॉकी हिंदू सिंह। ओके, इसका रन देखे जाए तो हमेशा बोर्ड पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लास्ट टाइम सेकेंड हो चुका है, वो भी एज अ फेवरेट रह के 60 पैसे में पिट चुका है, बट सेकेंड हो चुका है। इसका भी एक वेट का एक बेनिफिट है, जो कि लो वेट कैरी करके जा रहा, बट जॉकी चेंज है, जो कि हिंदू सिंह को बिठाए, बेटर राइडर को बिठाए, लास्ट टाइम स्टार्ट ही बढ़िया लिया था, रॉयल डिफेंडर जैसे घोड़े को ही सेकेंड हो चुका है,
तो लाइट द वर्ल्ड को सेकेंड, गोल्ड राइड को, जॉन विक को, तो ये भी अच्छा फिर देख के आया है। तो इजीली मतलब रेस तो इन दोनों में होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो थर्ड रेस में टू और थ्री में आपको जो भी बेस्ट लगे उसका विनिंग आप प्लेसिंग का चांस ले सकते हैं। तो बात करते हैं हम अभी ओटी का फोर्थ रेस का, द डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज ट्रॉफी डिवीजन वन क्लास थ्री 1200 मीटर। सो ओटी का थर्ड सॉरी ऊटी का फोर्थ रेस का हमारा जो फर्स्ट चॉइस है डैट इज 9 नंबर हॉर्स लाइट द वर्ल्ड जॉकी हिंदू सिंह। लास्ट टाइम बहुत ही टाइट फील्ड था, जो कि गिनीज में फोर्थ हो चुका है। इतना हार्ड फील्ड था फिर भी फोर्थ हो चुका है। आई थिंक इजी फील्ड होना चाहिए इस वक्त का भी। वेट का एक बेनिफिट है जो कि लो वेट कैरी करके जा रहा है। लास्ट टाइम 56 था, अभी 55 लेके जा रहा है। बेटर राइडर था लास्ट टाइम संदेश, बट कुछ कर नहीं पाया। बट अभी दूसरी गेम क्योंकि लास्ट टाइम बहुत ही टाइट फील्ड था। फ्रंट रनर है ऑफकोर्स ग्रेविड जो कि विनर है गिरीज पे, उसको फोर्थ हो चुका है। उससे पहले देखिए लेविश गिल को बार चुका है, गोल्ड राइड को भाग चुका है, डॉटी वन को, पेलकट ब्रिज, तो एक बेटर फील्ड देख के आया है। तो आई थिंक इजी फील्ड होना चाहिए इस वक्त तो आ जाना चाहिए बोर्ड पे। तो बात करते हैं हम अभी उसी रेस का, ऊटी का फोर्थ रेस का हमारा जो सेकेंड चॉइस होगा डेट विल बी अ 5 नंबर हॉर्स ग्रूविन। जॉकी है एल एल एक्स रुजारियो। इसका भी रन्स देखे जाए तो हमेशा बोर्ड पे घोड़ा। लास्ट टाइम फोर्थ हो चुका है, जॉकी फाइंड हो गया था लास्ट टाइम 7 के भाव में। लास्ट वेट था 56 और 57.5 जो कि वेट कैरी करके जा रहे हैं। बट सेम राइडर है एल एल एक्स रुजारियो, अभी वेल राइड करेंगे तो आई थिंक इजिली बोर्ड पे आना चाहिए। देखिए यहाँ पे स्टार्ट लेते अच्छा ले रहा था घोड़ा, बट लास्ट टाइम खराब स्टार्ट लिया था ऐसा, इसलिए कुछ तो गड़बड़ हुआ और जॉकी फाइट हो गया था। एंड इतना खास तो फील्ड नहीं देखा है, बट बोर्ड घोड़ा सॉरी घोड़ा बोर्ड शोर नहीं छोड़ रहा है। तो इजिली आई थिंक अगर गलती नहीं करेंगे तो बोर्ड पे आना चाहिए। तो फिर भी मेरे हिसाब से ये रेस थोड़ा अब ओपन गाड़ी, तो इसलिए फोर्थ रेस में 5 एंड 9 में आपको जो भी बेस्ट लगे उसका आप प्लेसिंग का ही चांस लीजिए। तो बात करते हैं हम अभी ऊटी का फिफ्थ रेस का, द डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज ट्रॉफी डिवीजन 2 क्लास 3 1200 मीटर। सो ऊटी का फिफ्थ रेस का हमारा जो फर्स्ट चॉइस है डैट इज़ अ 1 नंबर हॉर्स मल्टी क्राउन जॉकी है कुलदीप सिंह। इसका कुछ प्यूरेंस देखी जाए तो बोर्ड पे घोड़ा। लास्ट टाइम फोर्थ हो चुका है, उससे पहले थर्ड हो चुका है। लास्ट टाइम बहुत ही टाइट फील्ड था फिर भी फोर्थ हो चुका है। लास्ट टाइम वेट था 55, अभी 60, थोड़ा वेट कैरी करके जा रहा है। लास्ट सेम राइडर था सेम राइडर था जो कि कुलदीप सिंह है। स्टार्ट लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑफकोर्स डेडिकेट एक बहुत बेटर घोड़ा है जो कि टाइट फील्ड था, उधर विनर था डेडिकेट, उसको फोर्थ हो चुका है। तो बेटर घोड़ा है बोर्ड पे आ रहा है, तो आई थिंक इजी बोर्ड पे आना चाहिए। नहीं तो फील्ड भी थोड़ा ठीक ठाक देखा है घोड़े ने, तो आ जाना चाहिए। तो फिफ्थ रेस में हमारा जो सेकंड चॉइस होगा, तो फिफ्थ रेस का हमारा जो सेकंड चॉइस है ऊटी का डैट इज 9 नंबर हॉर्स प्राइजलेस ब्यूटी जॉकी है ए एस पीटर। लास्ट टाइम थोड़ा अच्छा भाव था, फोर्थ हो चुका है। एंड वेट थोड़ा आई थिंक लो वेट कैरी करके जा रहा है, उसका एक बेनिफिट हो सकता है। लास्ट टाइम ऐसे अमित था, बट अभी ये स्पीटर है, ये ठीक ठाक ही राइडर है। लास्ट टाइम स्टार्ट बढ़िया लिया था घोड़े ने, ठीक ठाक लिया ले सक लिया था बोल सकते। एक ही बोल सकते नॉटी वंडर को एक 6वां चुका है, बट उसके बाद थोड़ा परफॉर्मेंस दिया जो कि फोर्थ हो चुका है। तो इतना ही कह सकता हूँ प्राइजेस ब्यूटी का एक प्लेसिंग का चांस बोल सकते। तो फिफ्थ रेस में 1 एंड 9 में आपको जो बेस्ट लगे उसका आप प्लेसिंग का चांस लीजिए। तो बात करते हैं हम ऊटी का सिक्स्थ रेस का, द वॉर मेमोरियल हैंडीकैप क्लास 4 1400 मीटर। तो ऊटी का सिक्स्थ रेस का हमारा जो फर्स्ट चॉइस है डेट इज़ अ 1 नंबर हॉर्स एम्परर विक्रम जॉकी है सी ए ब्रिसन। 2 ही रन हो चुका है, बट लास्ट टाइम एज अ फेवरेट है के विनर हो चुका है, वो भी 2.5 लेंथ से। वेट ऑफकोर्स थोड़ा कैरी करके जा रहा है। लास्ट टाइम सेम राइडर था सी एब्रिसन, लास्ट टाइम स्टार्ट ही बढ़िया लिया था। स्टार ऑर्डिनरी जैसे घोड़े को विन मार चुका है, क्योंकि उससे पहले देखिए टाइट फील्ड में भागा था घोड़ा, भारत जैसा थोड़ा अच्छा फील्ड मिला तो विन हो चुका है 2.5 के भाव में। आई थिंक इजली बोर्ड पे तो आना चाहिए। तो बात करते हैं हम उसी रेस का सिक्स्थ रेस का, जो हमारा जो सेकेंड चॉइस होगा डेट विल बी अ 4 नंबर हॉर्स। 4 नंबर हॉर्स विन आलिया जॉकी है इंदू सिंह।
इसका भी 2 ही रन हो चुका है लास्ट टाइम, मतलब उससे पहले थर्ड लास्ट टाइम एज अ फेवरेट रेके विनर हो चुका है, वो भी 4 लेंथ से। ये भी वेट कैरी करके जाएंगे ऑफ कोर्स। लास्ट टाइम स्टार्ट भी बढ़िया ले आता, सेम राइडर है, लाइट द वर्ल्ड जैसे घोड़े को थर्ड हो चुका है। उसके बाद देखिए 4 लेंथ दिखा दिया घोड़ा। आई थिंक रेस तो इन दोनों में होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो इसलिए 6th रेस में 1 एंड 4 में आपको जो भी बेस्ट लगे उसका विनिंग आप रेसिंग का चांस ले सकते हैं। तो बात करते हैं हम ओटी का 7th रेस का, द कारगिल हैंडीकेप क्लास 4 1200 मीटर। सो ओटी का 7th रेस का हमारा जो फर्स्ट चॉइस है डैट इज 8 नंबर हॉर्स वाइल्ड फ्रैंक, जॉकी है सी एब्रिसन। ओके लास्ट टाइम देखिए घोड़ा सेकेंड थर्ड हो चुका है बट लेम हो गया था। आई होप अभी फिट एंड फाइन रहेगा, इतना टाइम के बाद भाग रहा है तो आई ऑफकोर्स थोड़ा फिट रहना चाहिए क्योंकि 1 ही बाई डायर का गैप है, तो इसलिए प्लेसिंग का ही चांस बोल सकता हूँ क्योंकि लास्ट टाइम लेम होने की वजह से। तो वेट तो ऑफकोर्स थोड़ा कब कैरी करके जा रहा है उसका एक बेनिफिट होगा। लास्ट टाइम बेस्ट देवरा था, अच्छा ही राइडर था, अभी सी एब्रेसर है, वेल ये भी अच्छा राइडर है। प्रॉब्लम स्टार्ट लेने में घोड़ा का, अगर इस वक्त स्टार्ट अच्छा लेगा तो बेटर होगा। ऑफकोर्स ग्रेट स्प्रीड एक अच्छा ही घोड़ा है बोल सकते हैं, ये फील्ड के सबसे जो उसको थर्ड हो चुका है तो एक ठीक ठाक ही घोड़ा है वाइल्ड फ्रैंक, अगर फिट एंड फाइंड रहेगा तो इजिली बोर्ड पे आना चाहिए। तो बात करते हैं अब अभी ऊटी का 7th रेस का, हमारा जो सेकेंड चॉइस होगा ऊटी का, हमारा जो 7th रेस का सेकेंड चॉइस है डैट इज़ अ 6 नंबर हॉर्स ग्रे ब्यूटी, जॉकी है एस जे मॉलिन। ओके आई थिंक लास्ट रन तो इग्नोर कीजिए क्योंकि जॉकी फाइन हो गया था, तो भी 3 के बाद अच्छा भाव था, कुछ गड़बड़ होने के से पीछे रहेगा घोड़ा, नहीं तो परफॉर्मेंस अच्छा देते आ रहा था घोड़ा यहाँ पे। आई होप अभी गलती ना करेंगे वैसे तो बोर्ड पे आना चाहिए। तो वेट तो कैरी करके जा रहा है थोड़ा, सेम राइडर है अजीम ऑलिन, स्टार्ट भी बढ़िया लिया था बट कुछ तो गड़बड़ किया था लास्ट टाइम इसलिए पीछे रह गया। तो घोड़ा यहाँ पे देखिए शीरियल एलिगेंस जो कि अच्छा घोड़ा है उसको और भाग चुका है, नहीं तो उससे पहले ठीक ठाक फील्ड बोल सकता हूँ, अगर गलती ना करेंगे तो इजिली बोर्ड पे आना चाहिए। तो इसलिए 7th रेस में 6 एंड 8 में आपको जो भी बेस्ट लगे उसका प्लेसिंग का ही चांस लीजिए। तो बात करते हैं हम अभी ऊटी का 8th एट द लास्ट रेस ऑफ द डे, द वेलिंगटन हैंडीकैप क्लास 4 1200 मीटर। सो ऊटी का 8th रेस का हमारा जो फर्स्ट चॉइस है डैट इज़ अ 1 नंबर हॉर्स मल्टीवे, फिर जॉकी आर एन मांझी। ओके लास्ट 2 रन देखी जाए तो सेकेंड फोर्थ हो चुका है, वो भी 3.5 के भाव में। लास्ट में तो 54 अभी 60 लेके जा रहे जो कि वेट कैरी करके जा रहा बट -2.5 11 से। सेम राइडर है आर एन मांझी, उसी के हाथों में मतलब बोर्ड पे आ रहा है घोड़ा, स्टार्ट भी लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, इतना खास तो फील्ड नहीं देगा बट लास्ट 2 रन बेस्ट है और थोड़ा लो वीक फील्ड है बोल सकते हैं, मतलब ओपन कार्ड है बट बेटर एक मल्टीवेव का एक चांस बोल सकते हैं यहाँ पे। तो 8th रेस का हमारा जो सेकेंड चॉइस होगा डैट इज़ अ 6 नंबर हॉर्स नॉटी पावर, जॉकी है सूर्य प्रकाश। जस्ट इसका लास्ट रन देख जाए तो अच्छा है, थर्ड हो चुका है बट 2.5 के भाव में पिट चुका है। ओके एंड वेट लास्ट टाइम 59 था, अभी 56 है जो कि उसका एक बेनिफिट हो सकता है, लास्ट रन थर्ड हो रहा अभी वेट कैरी कर कम कैरी करके जाए तो इसका एक बेनिफिट होगा। ये स्पीटर था, अभी सूर्य प्रकाश वेल अच्छा ही राइडर है, स्टार्ट लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं एज अ फ्रंट राइडर है। बॉम्बर जेट जो कि फील्ड के हिसाब से मुझे पता है अच्छा घोड़ा है, उसको थर्ड हो चुका है। ओके एक बार ऑल स्टार्स को सेकेंड हो चुका है, थोड़ा ठीक ठाक फील्ड देखा है नॉटी पावर, तो एक इसका भी बेटर चांस बोल सकते हैं स्पीड में। तो 8th रेस में मेरे हिसाब से 1 एंड 6 में आपको जो भी बेस्ट लगे उसका आप विनिंग आप प्लेसिंग का चांस ले सकते हैं। तो ये रहा हमारा टोटल ऊटी रेस का 8 रेस का टिप्स एंड सिलेक्शन, आया आपको समझ में आएगा कार्ड, वैसे तो मुझे लगता है ठीक ठाक ही है वैसे ही हो एज अ फेवरेट। सो फिर भी इतना गैप होने के बाद कुछ गड़बड़ भी कर सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लेसिंग का ही चांस लीजिए और पूरी रेस मत कीजिए, जो भी आपको बेस्ट लगे पूरे दिन में एक या दो घोड़े जो आपको प्रॉफिट करा सके वही रेस कीजिए। सो बेस्ट गुड लक फॉर दी ऊटी रेस, तब तक के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेस के साथ।